वहीं महाराष्ट्र में पहले ही ब्रेक द चेन कर्फ्यू लागू हो चुका है। कल रात 8 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और पाबंदियों में इस वक्त महाराष्ट्र की जिंदगी कैसी है ये समझना बेहद जरूरी है। और इस मिशन का पहला दिन कैसा बीत रहा है, आइए हमारे साथ सुबोध मिश्रा हमारे साथ है, उनसे समझते हैं। सुबोध, पाबंदियां शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में, मुंबई में आप मौजूद है, ऐसा शहर जो हमेशा चलता रहता है, इस ब्रेक द चेन कर्फ्यू का पहला दिन कैसा बीत रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए सभी, आज पहला दिन है और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने देखा बाहर घूमते हुए देखा कि ज्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया हुआ है ऑटो टैक्सी ये सब चल रहे हैं, इसके अलावा स्पेशल सर्विसेज से रिलेटेड जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और पुलिस जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। आपको मैं बता दूं, पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो तकरीबन 13,000 से ज्यादा जो होम गार्ड थे उनको तैयार किया गया, उनको तैनात किया गया है इस जो लॉकडाउन के समय में। इसके अलावा तकरीबन 22 कंपनी SRPF और अन्य जो सुरक्षा की कंपनी है उनको तैनात किया गया है कि कहीं पर कोई भी अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है तो उनको तैनात किया जाए। वहीं महाराष्ट्र में अगर मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी धारा 144 जो है यहाँ पर लागू है और जगह जगह पर मुंबई में चेक पॉइंट बना रही है मुंबई पुलिस, ताकि जो अभी अनचाहे जो लोग हैं जो बेवजह में घूम रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसी सारी जो चीजें हैं, खासतौर से मैं आपको बताऊं कि मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं इनको छूट दी हुई है। वही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेनें हैं, जो लोकल ट्रेन है वो चल रही है, लेकिन इन सब में वही लोग चलेंगे जिनके पास वैलिड पास है और जो एसेंशियल सर्विस के लिए चल रहे हैं। तो पहला जो दिन है अभी जो अभी आपको मैं बता दूं, एक और बात है जो पिछले दिनों की जो प्रैक्टिस है, जो वीकेंड के लॉकडाउन की प्रैक्टिस है या फिर उनकी वीकडेज में जो नाइट कर्फ्यू था, उन सबकी प्रैक्टिस को देखते हुए बहुत कोई खास परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो वीकेंड का लॉकडाउन है उसी के तर्ज पे जो ये लॉकडाउन जो चल रहा है वो उसी की तर्ज पर है, जहाँ फ्रूट्स वाले हैं, ग्रोसरी वाले हैं या फिर आपके फल वाले हैं, सब्जी वाले, डेयरी वाले हैं, ये सबको दुकान खोलने को कहा गया है, जरूरत के सामान है। वहीं अभी प्री मानसून की जो लोकल जो अथॉरिटी है उनकी सर्विसेज है उनको काम करने को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज है, जो महानगर पालिका है उनके जो पब्लिक सर्विस है उनको काम करने को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो जानवरों से रिलेटेड जो पेट जो पीछे जो हम इस वक्त एक्टिविटी देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा गतिविधियां हैं, काफी गाड़ियां नजर आ रही है, हालांकि ऑटो जो गुजरते हुए देखे गए वो खाली थे, बसों में भी संख्या कम नजर आ रही है, लेकिन ये मुहिम की शुरुआत ही क्यों की गई है महाराष्ट्र में? इसलिए की गई है जिससे चेन को ब्रेक किया जाए। एक छोटा सवाल आपसे, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सुबोध, ब्रेक द चेन करने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है टेस्टिंग को लेकर और ट्रेसिंग को लेकर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सचिव, क्योंकि ब्रेक द चेन करने के लिए सबसे पहले जो मेरा कहना है, जो सरकार भी कह रही है कि लोगों को घर पे ही बैठना पड़ेगा, जितना लोग बाहर आएंगे उतना ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन जो एक सरकार की तरफ से एक और कवायद की जा रही, कोशिश की जा रही है कि आप घर में रहिए, आपकी टेस्टिंग घर पे आके होगी। तो सबसे पहले ट्रेसिंग किया जा रहा है, ट्रेसिंग अगर जहाँ पर ज्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं वहाँ को ट्रेस करके, टेस्टिंग करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अभी हेल्थ जो है, हेल्थ सिस्टम है उस पर काफी दबाव है, जिसके चलते सरकार काफी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि लोगों को कह रही है ज्यादा से ज्यादा घर पर रहे ताकि इस चैन को तोड़ा जा सके और हेल्थ सिस्टम पर जो दबाव आ रहा है वो कम से कम हो सके। जी सर, बहुत शुक्रिया सुबोध, हम तक ये पूरी जानकारी और ग्राउंड रियलिटी महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन कर्फ्यू के पहले दिन की तस्वीरें पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।